हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर कलर। एक्चुअली मैं अपना हेयर नहीं कलर करती हूँ, एक बार पहले बहुत दिन पहले किया था शॉप से। अभी इस सिचुएशन में घर से इतना ज्यादा हम लोग निकल भी नहीं रहे हैं और कोई देखने वाला भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अपना हेयर को थोड़ा सा अतरंगी सा कलर करने के लिए। मुझे कुछ दिनों से ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है कि हेयर के एकदम एंड को थोड़ा सा वाइब्रेंट सा कलर देने का, जैसे कि ब्लू, पिंक, पर्पल, डीप रेड, ऐसा कोई कलर। मैं सोच रही थी यही एक टाइम है जिस टाइम में मैं अपने हेयर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि एज सच कोई देखने वाला नहीं है। मेरा हेयर एंड को एकदम रेड कलर किया जाए तो कैसा लगता है। तो मैंने नायका पर्पल पे बहुत सर्च किया, वहां से जो कलर मुझे पसंद आया उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा कि किसका कैसा कलर आ रहा है। तो मुझे गार्नियर का एक कलर बहुत पसंद आया है, तो वो है गार्नियर कलर नेचुरल, ये है रस्पबेरी रेड। अब मुझे नहीं पता है ऐसा रेड कलर आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा जो हेयर कलर है ये ब्लैक साइड में ही है ज्यादा, और मेरा हेयर में कोई कलर नहीं किया हुआ है, तो इतना डीप रेड कलर मुझे तो नहीं लग रहा कि आएगा। अगर आपका हेयर थोड़ा सा कलर पहले से हो ना, तो ये सब कलर अच्छी तरह से कैच होता है। मैं सोच रही थी इसका जो गार्नियर का इसका जो पैक है, एक बड़ा सा 199 का बॉटल में आता है, तो मैं वही खरीदने के लिए गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेयर कलरिंग का प्रोसेस। आपको ध्यान रखना है कि हेयर कलर करने से पहले आपका हेयर फुल्ली वॉश्ड होना चाहिए, एकदम क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी डर्ट ना रहे या फिर ऑयल ना रहे। आप एक दिन पहले हेयर वॉश कर लीजिए अच्छी तरह से शैम्पू से, और दूसरे दिन आप कलर कीजिए, शैम्पू कीजिए, तो ये थोड़ा ज्यादा ही ईजी है। बट मुझे नहीं पता था कि मैं आज हेयर कलर करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं शाम के टाइम खरीद के लाई थी, तो मेरा हेयर में एक्चुअली शैम्पू नहीं किया हुआ है और बहुत ही ऑयली ऑयली भी हो चुका है। अभी मेरा फर्स्ट काम है, मैं जाके अच्छी तरह से हेयर वॉश करके आती हूँ, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अभी ये ड्राई होने तक वेट करना है। हेयर वॉश करके एकदम मैंने हेयर को सुखा दिया है, तो अभी मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से इसको कॉम्बिंग कर लूंगी ताकि कोई भी टैंगल्स ना रहे और इवनली मैं कलर को स्प्रेड कर सकूं। नेक्स्ट जो चीज आपको करना है, एक ऐसा कोई पुराना सा कोई क्लॉथ, कोई ड्रेस आपको पहनना है, क्योंकि इसमें कलर लग सकता है, तो अगर आप नया कुछ पहनेंगे तो एकदम खराब हो जाएगा। 199 का जो बड़ा पैक है उसमें दो ग्लव्स होगा, हाँ उसमें तो दो ग्लव्स देता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 49 में कोई ग्लव्स होगा। हाथ में दो प्लास्टिक पहन के लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर जो हाथ में, बालों में कैसा आएगा ये तो पता नहीं, बट हाथ में एकदम जबरदस्त आ जाता है। नहीं, यहाँ पे कोई भी ग्लव्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिफलेट है, और ये है कलरेंट और ये है डेवलपर। प्लास्टिक कंटेनर या फिर ग्लास कंटेनर में लेना है, मुझे अभी दीदी के पास यही मिला हेयर कलर करने के लिए, तो मैं इसमें ये दो को एकदम अच्छी तरह से निकाल के घूल लूंगी। मैंने दो प्लास्टिक ले लिया है अपने हाथ को कवर करने के लिए, और इधर आ गई है जिया जिया जिया। मैंने हेयर में अच्छी तरह से कलर कर लिया है, और मेरा ड्रेस का हालत देखो, शेर। अभी 30 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद वॉश कर लूंगी। अभी अच्छी तरह से पूरी तरह ड्राई होने के बाद ही समझ में आएगा कि कैसा टर्न आउट हुआ है मेरा हेयर, तो बाद में आप लोगों को दिखा देती हूँ। कलर हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर धूप में जाऊंगी तो अच्छी तरह से इसका कलर निखर के आएगा, बट यस कलर तो हुआ है।